आपकी वालिद माजिदा का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो आप वालिदा की तरफ से हुसैनी हैं और वालिद की तरफ से हसनी हैं। हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी शुरुआती तालीम यहाँ पे आने की वजह क्या रहती है आपकी? साहब हमारे यहाँ आने की वजह ये होती है, हमारी जितनी कौम है जो राजस्थान से एमपी में रहती है सब लोग 12 महीने के जितने भी उलझे हुए मामले रहते हैं वो यहीं पे आके सुलझाते हैं। अच्छा, इसलिए कि यहाँ के आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। अच्छा भाई, किसी वजह से आदमी 10 आदमी रिश्तेदार तुम्हारे तरफ हो गए तो सच्चे आदमी को झूठा कर दे। अच्छा, और ये मुकाम ऐसा है कि यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से हुजूर गरीब नवाज के सदक़ा तुफैल और हज़रत गौसुल पाक गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सदक़ा तुफैल आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। वो गरीब नवाज आपको अपने दामन पाक के साए में रखें और गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने करम के साए में रखें। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपको हाज़िरी कराने लाएँ गौस पाक के चिल्ले की। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज 11वीं शरीफ की शब है, 10 तारीख की शब है, 11वीं शब है। तो आज यहाँ पे जितने भी तमाम ज़ायरीन हैं आज के दिन यहाँ से आना शुरू कर देते हैं नीचे से, और मल जाति के जो पठान हैं वो तमाम यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं आज रात को ही। रात भर यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पर रुकने के बाद अपने तमाम फ़ैसले, जितने भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अपने तमाम फ़ैसले साल भर के लिए पोस्टपोन रखते हैं। और इनकी हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से जो अकीदत, जो मोहब्बत है, उसके मद्देनज़र ये अपने जाति के तमाम फ़ैसले यहाँ गौस पाक की बारगाह में आकर ही करते हैं। और इनके शादी ब्याह के फ़ैसले, रिश्ता जोड़ना तोड़ना, लड़ाई झगड़े, जितने भी तमाम फ़ैसले होते हैं ये हुजूर गौस पाक की बारगाह में आकर ही करते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर गौस पाक के चिल्ले पे, आपको हाज़िरी कराते हैं और इंशाल्लाह गौस पाक के बारे में भी आपको बताते हैं, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जिलानी पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर जो हैं, इनकी विलादत 1 रमज़ान 470 हिजरी में, ईरान में एक गांव है जिलान जिसका नाम है, वहीं पे आपकी विलादत हुई। और लगभग 1078 ईस्वी में आपकी विलादत हुई। आपकी दूर का रास्ता है, ठंडी 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 नींबू पानी पीती जाइए, ग्लूकोज। आपकी उम्र पाक जो है, हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो उम्र पाक है, आप 87 साल तक दुनिया में हयात रहे और 557 हिजरी में, 11 रबीउ सानी 557 हिजरी में आपने दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा और इस दुनिया से पर्दा किया। लगभग 1166 ईस्वी में आपने इस दुनिया से पर्दा किया। तो मैं आपको दोनों तारीख बता चुका हूँ। इन तारीखों में कुछ लोगों के तफ़र्क़े हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक जो होता है वो 17 रबीउल सानी को होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मुत्तफिक हैं वो इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि आपका उर्स जो है 11वीं शरीफ को ही होता है, 11 रबीउल सानी को ही होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग 11वीं शरीफ ही मनाते हैं। और आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तरफ से आप हसनी हैं, हसनी सैयद हैं, और
आपकी वालिद माजिदा, आपकी वालिद माजिदा का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो आप वालिदा की तरफ से हुसैनी हैं और वालिद की तरफ से हसनी हैं। हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी शुरुआती तालीम जो है जिलान में ही मुकम्मल की। उसके बाद आप बगदाद शरीफ आ गए। बगदाद शरीफ में आपने तालीम हासिल करने के बाद वहाँ पे एक मदरसा कायम किया और अपनी पूरी हयात पाक उस मदरसे को चलाते रहे आप। और बगदाद शरीफ में इस्लाम में जो लोगों में ख़राबियाँ आ गई थी, जो मुसलमान मुकम्मल तौर पे इस्लाम पे नहीं चलते थे, उन्होंने उन लोगों को इस्लाम बताया, इस्लाम को ज़िंदा किया। इसीलिए आपका नाम मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादर जिलानी है, आपका लकब है मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन के माने होते हैं, मुही के माने होते हैं, जो अल्लाह का नाम है मुही, मुही के माने होते हैं ज़िंदा करने वाला। इसलिए आपको लकब मिला मुहियुद्दीन, यानी दीन को ज़िंदा करने वाला। और आप जिलान के रहने वाले थे इसलिए आपको जिलानी कहते हैं। और हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कादरी सिलसिले की बुनियाद रखी, इसलिए आपको कादरी भी कहते हैं। कादरी सिलसिले के फाउंडर हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हैं। तो आइए, अभी हम पहुँच चुके हैं वो हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के चिल्ला मुबारक पे। तो यहाँ से इंशाल्लाह अभी अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं 11वीं शब में, जैसा कि मैंने बताया, मल जाति के जितने भी पठान होते हैं वो सब यहाँ पे जमा हो जाते हैं अपने तमाम फ़ैसले करने के लिए। और आज यहाँ पे महफिल का प्रोग्राम होगा, मिलाद का प्रोग्राम होता है, जो गौस पाक के नाम के चिराग रोशन करते हैं, जिनकी मन्नतें मुरादें रहती हैं, वो आज ही के दिन यहाँ पे आके अंदर बारगाह में चिराग गौस पाक के नाम से रोशन करते हैं। कोई 5 चिराग, कोई 11 चिराग, कोई 1 चिराग, ऐसे जैसे जिसकी मन्नत होती है वो यहाँ पे आके रोशन करते हैं उनके नाम से। और आज ही के दिन गौस पाक के नाम से जो मन्नतें मुरादें, जो इनकी मन्नतों मुरादों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मन्नतें मुरादें मान लेते हैं, 11 साल, 5 साल, 7 साल, तो इनके नाम का एक चांद होता है चांदी का, वो गले में पहनाया जाता है। तो लोग आज ही के दिन आके और कल 11वीं जब कुल होता है यहाँ पे, उस दिन आके अपने बच्चों को चांदी के जो चांद होते हैं वो गले में पहनाते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। हमारे वालिद के साथ जब हम छोटे छोटे थे उनके साथ साथ हम भी यहाँ पे आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। हमारे वालिद हमारे दादा के साथ, हमारे दादा हमारे बुज़ुर्ग के साथ, उनके दादा उनके वालिद के साथ, ऐसे ये सिलसिला चल रहा है। और गौस पाक के नाम का मन्नत का लोग कान में बुंदा भी पहनाते हैं अपने बच्चों को, जैसा कि हमारे वालिद ने भी मन्नत मानी थी गौस पाक के नाम का बुंदा जो है 11 साल, वो भी मैंने आप देख सकते हैं कान में पहना था। अभी तो 11 साल बाद वो उतार दिया है, तो अभी वो छेद जो है, जो सुराख है, वो है अभी तक है। तो आप देख सकते हैं आज यहाँ पे काफ़ी ज़ायरीनों का मजमा लगने वाला है और मल जाति के जितने भी पठान आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, चिराग रोशन करते हैं और अपने तमाम फ़ैसले यहाँ पे करते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें उतारते हैं। हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों जो हैं वो हिंदुस्तान तशरीफ़ नहीं लाए, उनके मुरीद उनके सिलसिले के जो हज़रत सोंदे शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं उनका मज़ार मुबारक यहाँ पर, और उन्होंने ही हज़रत गौस पाक के नाम से इस चिल्ले को मंसूब किया है। और लोग बगदाद जा नहीं पाते हैं, जो लोग जिनकी इतनी हैसियत नहीं होती है जाने वाले, खैर गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको इतनी तौफीक और साहिब हैसियत करें कि तमाम उनके चाहने वाले वहाँ पे उनकी बारगाह में हाज़िरी दें। लेकिन जो लोग नहीं किसी वजूहत से जा पाते हैं तो वो यहीं पर 11वीं शरीफ के मौके पर अपनी मन्नत मुरादें यहीं पर गौस पाक के चिल्ले पर उतारते हैं और यहीं पर हाज़िरी देते हैं।
हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने वो दर्जाए कमाल वो मरातिब अता किए थे और आप अल्लाह की तरफ से जो वली मामूर होते हैं आप उस दर्जा में आते हैं और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो मेरे वली होते हैं जो मेरे महबूब होते हैं मैं जब वो देखते हैं तो उनकी आँख बन जाता हूँ, जब वो बोलते हैं तो मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ, जब वो अपने हाथ से अपने दस्त से कोई काम करते हैं तो मैं उनका हाथ बन जाता हूँ। तो जो अल्लाह की तरफ से वली मामूर होते हैं तो उनके दर्जात की हम अपने ख्वाब-ओ-ग़ुमान में जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उनके दर्जात इतने बुलंद होते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब कुछ अता कर देता है। तो हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी को भी अल्लाह ताला ने वो मर्तबे वो दर्जात अता कर रखे थे। और आप के लिए ये मशहूर है कि आप मुर्दों को जिला दिया करते थे, आप अपनी ठोकरों से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। ये काफ़ी मशहूर वाक़े हैं और इसके मुतालिक भी कई वाक़े और कई करामातें हैं कि आपने अपनी ठोकरों से कई मुर्दों को ज़िंदा किया है। जब आपको ज़रूरत पड़ी उनकी तो आपने उनको ज़िंदा कर दिया ठोकर लगा लगा के। तो आपका जो जिलानी लकब है इस वजह से भी है कि आप जिलाने वाले हैं, मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं। और मोहियुद्दीन आपका लकब इसलिए है क्योंकि आप दीन को ज़िंदा करने वाले हैं। तो ये सब वाक़ियात हैं जो हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मखसूस मुस्तनद किताबें हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी काफ़ी ज़ायरीन हैं और रात होते होते जैसे जैसे रात होगी ज़ायरीनों की तादाद बढ़ती रहेगी। आज यहाँ पे अंदर महफिल का प्रोग्राम है, मिलाद का प्रोग्राम है, यहाँ पे महफिल होगी और कल कुल होगा यहाँ पे, लंगर वगैरह भी यहाँ पे होता है। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और आपको हाज़िरी करवाते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम या गौसुल आज़म दस्तगीर, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है और तमाम ज़ायरीन आके इस तरफ में ही आप देखते हैं यहाँ पे चिराग रोशन करते हैं अंदर आस्तानी शरीफ में ही। और ये हज़रत सोंदे शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है यहाँ पे। और ये सामने देख सकते हैं आप ये सोंदे शाह हज़रत सोंदे शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जो कादरी सिलसिले के थे। इनकी तमन्ना यही थी कि मेरा नाम ना हो गौसुल आज़म दस्तगीर पिराने पीर का नाम हो, तो इन्होंने वहाँ से कुछ तबरुक ला के गौस पाक के नाम से यहाँ पे मंसूब कर दिए और उन्हीं के नाम से चिल्ला है और ये बारगाह जो है सोंदे शाह बाबा की है। तो आप लोग हाज़िरी कीजिए और इंशाल्लाह अभी हमारे वीडियो के ज़रिए आप हाज़िरी कर सकते हैं और अपने सलाम अपनी दुआएँ अपनी इल्तिजाएँ इनकी बारगाह में हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात ख़ास खुलासा मौजूदात अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुतबतुल औलिया बुरहानुल असफिया सिराजुल मिल्लत वदी इमामुल मुत्तकी मुकर्रबे बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुसलज़ी हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुकर्रबीन वल मुहक्किकीन बंदगी हज़रत कुतुबुल अख्ताब हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी कुसलज़ी हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का सलात व सलाम का हदिया पेश करम और रहम अता फरमा। अल्लाह इनकी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा। जमी आल व औलाद में वालदेन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जल्ली मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियत रब्बना व तक़ब्बल दुआ।
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا غوث پاک مہم سبحانی آپ کی چلہ مبارک پہ ہم لوگ حاضر ہیں ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام اپنی حاضری اپنے درود کے نذرانے پیش کریں ان کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ کرم اور رحم عطا فرماؤ اپنی رحمت کے سائے میں رکھو آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا عطا فرماؤ ہماری قوم کی فلاح بہبودی اور ہماری قوم کو دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفوظ رکھو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھو ایمان کی دولت ایمان کی سلامتی عطا فرماؤ نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرماؤ جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرماؤ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرماؤ جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا فرماؤ جو نا اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ جن کے گھروں میں جوان بچے بچی ہیں ان کو فرض سے ادائیگی عطا فرماؤ ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میلاد شریف کا پروگرام ہو رہا ہے دعا بھی کر دی ہے فاتحہ خوانی بھی کر دی ہے آپ سب لوگ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے صلوات اپنے سلام اپنی حاضریاں بارگاہ میں غوث پاک کی پیش کر سکتے ہیں غوث پاک کے چلے میں تو آئیے چلتے ہیں باہر سے کیسا منظر ہے کیسا نظارہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک بار چھت کی طرف سے چل کے زائرینوں کا آنا لگاتار جاری ہے اور لگ بھگ رات بھر یہاں پہ زائرین آتے رہیں گے اور کل گیارہویں شریف کا کل ہوگا یہاں پہ عرس کا جو عرس منائے جاتے ہیں غوث پاک محمود سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عرس منائے جاتے ہیں یہاں پہ عرس ہوگا اور اسی دلان میں یہ جو مل جاتی کے پٹھان ہوتے ہیں یہ سب یہیں پہ جمع ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ مل جاتی کے جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تمام فیصلے یہیں پہ کرتے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ میں ہیں انہیں کے جو قوم کے ان کی جاتی کے ایک بزرگ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان اپنے کیا کیا فیصلے یہاں غوث پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کے آنے کی وجہ کیا رہتی ہے جو سال بھر کے ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں تمام فیصلے جیسے شادی بیاہ کے فیصلے رشتہ توڑنا رشتہ جوڑنا اور جو بھی لڑائی جھگڑے کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب یہیں پہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا نام ہے یونس خان ان کا نام یونس خان ہے اور یہ بزرگ ہیں ان کی جو جاتی ہے پٹھان جاتی مل جاتی کی جو پٹھان ہیں اور یہ ان کی بزرگ ہیں تو آپ کے کیا کیا یہاں پہ آنے کی وجہ کیا رہتی ہے آپ کی صاحب ہمارے یہاں آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے ہماری جتنی قوم ہیں جو راجستھان سے ایم پی میں رہتی ہے سب لوگ 12 مہینے کے جتنے بھی الجھے ہوئے معاملے رہتے ہیں یہیں پہ آ کے سلجھاتے ہیں اس لیے کہ یہاں کے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے بھائی کسی وجہ سے آدمی 10 آدمی رشتے دار تمہارے طرف ہو گئے تو سچے آدمی کو جھوٹا کر دے اور یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے سارے یہیں پر کافی اچھی سوچ ہے آپ کی اور مطلب یہاں پہ آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کی جو جاتی کے پنچایت کے پنچ کے لوگ سرپنچ وغیرہ کچھ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یا آپس میں آپ لوگ کرتے ہو نہیں صاحب آپ پورے جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں وہ سبھی پنچ ہیں سرپنچ ہمارے لوگوں میں ہوتا نہیں اچھا ہم تو سب جتنے بھی لوگ ہیں آپ سی سہمتی سے سارے فیصلے یہیں پہ غوث پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو قوم کی سہمتی سے اچھا پوری قوم کی سہمتی سے یہ تمام فیصلے اپنے یہیں کرتے ہیں اور ان کی عقیدت یہی ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے حق میں ہوں گے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی تو ان کا یہی ماننا ہے جی تو آپ جو یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے بھی جیسے شادی بیاہ کے بھی فیصلے یہیں پہ ہوتے ہیں بالکل یہیں پہ ہوتے ہیں جیسے کسی سے نیا رشتہ جوڑنا ہے سب یہیں پر ہوتا اور لڑائی جھگڑے کے فیصلے بھی لڑائی جھگڑے کے تو آپ جو تمام لوگ ہو وہ سال بھر انتظار کرتے ہو گیارہویں شریف کا جی بالکل وہ پھر سال بھر سارے اپنے معاملے جتنے بھی فیصلے رہتے ہیں سلجھاتے ہیں یہیں پہ آ کے سلجھاتے ہیں تو مطلب جیسے آپ کے کوئی بھی فیصلے ہوتے ہیں تو جیسے جو آپ کے آپسی سہمتی سے فیصلے ہوتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں
तो उससे जिसके हक में फैसला होता है या जिसके खिलाफ, वो सब खुश रहते हैं या? बिल्कुल खुश रहते हैं साहब, क्योंकि जो हक बात होगी तो उसमें तो बिरादरी भी खुश होगी और जिसका लड़ाई झगड़ा है वो भी खुश होंगे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि गौस पाक की बारगाह में जो फैसला यहाँ के लोग कर देते हैं आपसी सहमति से, ये उसी को सही मानते हैं और ये अपने तमाम फैसले यहीं पर आके करते हैं। इससे भाग दौड़ से ये लोग बच जाते हैं और इनकी अकीदत और मोहब्बत यही है कि हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आके हम फैसले करें, ताकि तमाम फैसले हमारे हक में अच्छे हों और हमारे आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशगवार रहे, किसी तरह की परेशानी मुसीबत नहीं हो और गौस पाक के करम के साए में तमाम साल ये रहें और इनके फिर जो आने वाले जो फ्यूचर में जो मामले रहते हैं फिर वो अगले साल आके 11वीं शरीफ में यहाँ पर कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं, पहले भी बता चुके हैं आपको ऊपर से कैसा मंज़र दिखता है। और ये गौस पाक का चिल्ला, हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो चिल्ला है ये पहाड़ी के ऊपर बना है, यहाँ से पूरा अजमेर शहर नज़र आता है। तो अभी छत के उस तरफ चलेंगे, अभी मौसम सर्दी का हो गया है इसलिए आपको देख सकते हैं शाम के वक्त थोड़ी धुंध छाई हुई है कोहरे की। और ये पूरा यहाँ से अजमेर शहर और हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुतुबुल अज़ीज़ की बारगाह भी यहाँ से नज़र आती है। हाँ, तो ये सामने की तरफ आप देखिए, यहाँ से जो आना सागर तालाब है, आना सागर झील है, वो भी नज़र आती है। ये चिल्ला मुबारक का गुम्बद वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, अभी 11वीं शरीफ के लिए यहाँ पे सजावट डेकोरेशन किया गया है, पूरी बारगाह को यहाँ पे चिल्ले को सजाया गया है। और इंशाल्लाह कल जो लोग यहाँ पे आएंगे वो कुल में शरीक होंगे और रात में ज़ायरीनों का आना जारी रहता है, लगभग पूरी रात ज़ायरीन आते रहते हैं और यहाँ पे रुकते भी हैं। ये मल जाति के जो पठान हैं ये भी यहाँ पे रुकते हैं और जो आसपास के खुदाम हजरात हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे चिराग रोशन करते हैं, अभी चलेंगे नीचे की तरफ, हमारी फैमिली के लोग आ गए हैं तो चल के बारगाह में हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के चिराग रोशन करते हैं, ताकि इनका करम और इनका फैज़ान हमारी तमाम फैमिलियों पर, फैमिली के जितने भी लोग हैं उन पर जारी और सारी रहे और तमाम आने वाले ज़ायरीन, उनसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाले तमाम ज़ायरीनों पर हज़रत गौस पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान जारी और सारी रहे। अभी फूल पेश करते हैं अंदर और चिराग भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ये निज़ाम भाई हैं, ये दिनेश भाई हैं, ये हमारे मेहमान हैं, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज से नस्बत और अकीदत रखने वाले, मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले। और माशाल्लाह ये अभी 11वीं शरीफ के मौके पे अजमेर शरीफ में हाज़िर हैं और बड़ौदा से आए हैं ये, तो इन्होंने कहा कि साबिर भाई चलिए हम भी वहाँ पर हाज़िरी करेंगे, इनको जाना था लेकिन क्या कि आप 11वीं शरीफ में गौस पाक के चिल्ले पे भी हाज़िरी देके हमारी भी हाज़िरी हो जाएगी, तो हाज़िरी देके चलो इनको भी हाज़िरी कराते हैं अंदर गौस पाक के चिल्ले में बारगाह में। आइए
पाक सरकार निज़ाम भाई दिनेश भाई आपकी बारगाह में हाजिर हैं। इनकी हाजिरी को, इनके नजरानों को पेश, जो इन्होंने आपकी बारगाह में पेश किया, इनको कबूल और मकबूल अता फरमाओ। इनकी फैमिली को, इनके ख़ानदान को शादोआबाद रखो, दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रखो, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखो। आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह की बारगाह में इनके हक़ में दुआ अता फरमाओ। इनको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखो, इनके कारोबार रोज़गार में तरक्की अता फरमाओ, इनके रिस्क में बरकत अता फरमाओ, गरीब नवाज करम और रहम अता फरमाओ, अपनी रहमत के साए में रखो। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक्की ला इलाहा। तो अभी दिनेश भाई और निज़ाम भाई बड़ौदा से आए हुए हैं, इनकी भी हाज़िरी करवा दी है गौस पाक की बारगाह में। निज़ाम भाई आपको कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? एकदम सुकून लगा, हम तो ऊपर तारागढ़ चढ़ गए थे। अच्छा, फिर ऊपर से नीचे आया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून होता है। ये अभी क्या इनको रास्ता यहाँ का मालूम नहीं था, नीचे थे तो ये गाड़ी के ज़रिए पहले तारागढ़ चले गए, फिर तारागढ़ से उतर के रास्ते में चले, अभी उतर के आए हैं वहाँ से, तो पहले तारागढ़ गए फिर वहाँ से यहाँ पर आ गए। ये दिनेश भाई भी हैं साथ में, निज़ाम भाई भी हैं, और ये मतलब साल में 3-4 चक्कर इनके लगते रहते हैं ख्वाजा सरकार की बारगाह में। और मोहब्बत और अकीदत, इनकी नस्बत इतनी पक्की है कि हुजूर गरीब नवाज के नाम के बगैर इनका कोई काम नहीं होता है। सबसे पहले हुजूर गरीब नवाज का नाम बारगाहों में और तमाम बारगाहों में, हिंदुस्तान में जितनी भी बारगाह हैं, दिनेश भाई और निज़ाम भाई माशाल्लाह तकरीबन करीब करीब सभी बारगाहों में हाज़िरी दे चुके हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, 11वीं शरीफ के इस मुबारक मौके पे, और गौस पाक का जो चिल्ला है अजमेर शरीफ में, वहाँ की मैंने आपको हाज़िरी करा दी है। और इंशाल्लाह आप लोगों ने भी हमारे इस वीडियो के ज़रिए आप लोग भी अपना हाज़िरी, अपने सलाम, अपने दरूद के नजराने गौस पाक की बारगाह में पेश कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आपको तमाम बारगाहों की हाज़िरी कराते रहें, और उसके मौके पर भी और वैसे भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में एक नई मालूमात, एक नई जानकारी और एक नई बारगाह की हाज़िरी करवाते हुए इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।